बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर राजनीतिक नव प्रवर्तक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ शिव शंकर चौहान। पासडीह विधानसभा से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की और पासडीह विधानसभा के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। राजनीति में आए लंबे अरसे के बावजूद ये आज भी सामाजिक तौर पर उतने ही सक्रिय हैं और लोगों के लिए लगातार प्रयास करते हैं। तो आइए आगे की बातचीत शिवशंकर चौहान जी से ही करेंगे। शिवशंकर जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। शिवशंकर जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दे और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। रजौली में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी एक मामूली किसान थे तथा उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद पिताजी रजौली गांव सभा के प्रधान हुए जो जनपद बलिया में आता है। और पिताजी लगभग 32 साल की अवस्था में मेरे गांव सभा के रजौली के प्रधान हुए, जहां सामाजिक समीकरण से मेरे समाज की मात्र दो परिवार वहां रहते हैं उस गांव सभा। 80% यादव और अनुसूचित जाति के लोग वहां। पिताजी प्रधान हुए और 1.5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद चूंकि यह इकलौता उनका मैं पुत्र था, इसलिए परिवार का पूरा भार मेरे ऊपर आ गया। उस समय मेरी मां और छोटी छोटी 3 बहनें थी। मैं खेती किसानी करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। ठीक उसी बीच में माननीय बच्चा पाठक जी, जो लगभग 35 बरस से वहां एक तरफा राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे और 35 साल विभिन्न दलों से वे विधायक और मिनिस्टर भी रहे। इसके बाद से उनका व्यवस्था ये थी कि अपराधी किस्म के व्यक्ति थे और अपराधी उनके साथ थे और वो अपना 362 विधानसभा बलिया में, जनपद बलिया में अपना दबा बनाए हुए थे। इवन पूरे पूर्वांचल में छाए हुए थे एक तरह से। और जो भी उनके आगे कोई चुनाव लड़ता था तो उनकी या तो हत्या करा देते थे और नहीं तो फिर इतनी पिटाई करते थे कि उनका प्रतिद्वंदी फार्म भर करके भाग जाता था बाहर। उनका चाहे विकासखंड में होने वाले पंचायत के चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो, उसमें ये विशेष दबदबा रखते हुए ब्लॉक में ग्राम प्रधान कोई जीतता था, जिला पंचायत में कोई जीतता था, वो अपने नाम से उनका वो जीत करके माला पहन करके बाहर जा रहा है,
तब तक पीछे से जो हारा हुआ प्रतिद्वंदी है उनका माननीय मंत्री जी का चहेता उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए करता था। ये सब मैं देख रहा था। तब तक इसी बीच में पंचायत का चुनाव आ गया और मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ तो मेरी विधवा मां ने कहा कि बेटा माननीय बच्चा पाठक जी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका पूर्वांचल में दबदबा है, अगर उनके वार्ड में जाकर के जिला पंचायत का चुनाव लड़ा देंगे लड़ जाओगे तो वहां तुम्हारी हत्या भी करा सकते हैं और परिवार का एक सहारा भी इस दुनिया से चला जाएगा। मैंने कहा कि मां व्यक्ति प्रतिदिन नहीं मरता है, एक दिन मरता है और उसकी तिथि तय है कि वो इंसान कब मरेगा, कहां मरेगा और कैसे मरेगा। तो इसलिए जब सुनिश्चित है कि कब कहां कैसे मरना है, विधि ने इस तरह की व्यवस्था दे दी है, तो क्यों न इस सामंती के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ मैं उसके क्षेत्र में चुनाव लड़ूं, उसके वार्ड में मैं जीप लेकर के घूमना, एक जीप थी मेरे पास बहुत पुरानी, उसको लेकर के घूमना जब शुरू किया तो अपार मुझे जनसमर्थन मिला। मेरे पास तेल के पैसे नहीं थे, खर्चे बूथ के तक नहीं थे, लेकिन मास उहड़ गया कि कम से कम मंत्री का एक प्रतिनिधि आया जो सबको डरा करके रखा है, लोगों का अपार सहयोग मिला उसमें। उस समय माननीय बच्चा पाठक जी की पुत्र वधु उसी वार्ड से लड़ रही थी। ब्लॉक में वोटिंग के बाद जब जनगणना हुई तो उनके वार्ड में करीब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे और एक पारस मिश्रा जो बलिया के निवासी थे उनके अगल बगल रहा करते थे और माननीय मंत्री जी का, मंत्री जी के पारस मिश्रा जी रिश्तेदार थे। जब जनपद में हल्ला हो गया कि मामूली एक किसान का बेटा साहस बिटोर करके और माननीय मंत्री जी के गढ़ में 14,000 वोट पा गया, उनकी पुत्रवधु मात्र 9,000 वोट पाई, तो ये मतलब एक तरह से उफान आ गया जिले में कि उनका विकल्प मिल गए। आप सब हम जानते हैं कि वहां विकास खंड में जिला पंचायत की गणना तो हो जाती है, वोटों का अंतर पता चल जाता है कि कितना अंतर है और कितना वोट से किसको कितना मत मिला है और प्रतिद्वंदी कितना पाया है, उसके हिसाब से मैं घर चला गया। आप हम सब जानते हैं कि जनपद में ही जिला पंचायत की घोषणा होती। मैं जब 10:30 बजे बलिया जनपद पर पहुंचा कार्यालय पर, आरओ कार्यालय पर, तो वहां 10 मिनट के बाद घोषणा होती है कि शिवशंकर चौहान जी मात्र 9,000 वोट पाए, अमानी मंत्री जी की पुत्र वधु 14,000 वोट मत पा गई। इस तरह से पूरे जनपद में इस बात को लेकर के सन्नाटा हो गया कि जो व्यक्ति 14,000 लमसम वोट पाया है उसको धार का सर्टिफिकेट मिल रहा है और जो 9,000 पाया है, पाई है, उसको जीत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। लोगों में आक्रोश उभरा। मैं चुपचाप अब सोचा अन्य लोगों के साथ हो रहा था वही भी मेरे साथ अब यदि हो गया तो ऐसी सूरत में इस अटपाई के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा घोषणा तो मैं कर दिया, लेकिन सामान्य परिवार से आर्थिक स्थिति दयनीय थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में मेरे रिश्तेदारों ने जो धनबाद में रहते कमांडर गाड़ी दिए, मेरी भी एक जीप थी, हम
अपना उस गाड़ी को लेकर के इनका राउंड नाम दे करके मैं और प्रचार करना शुरू किया। उस समय माननीय बच्चा पाठक जी के परिवार में दुकान भी, सस्ते गले की दुकान भी उनके परिवार में थी, ग्राम की प्रधानी की भी उनके परिवार में थी, रेवती ब्लॉक के रहने वाले हम लोग हैं, रेवती ब्लॉक की प्रमुखी भी उनके हाथ में थी, इवन जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी उनके परिवार का था। मैंने कहा कि इस तिसमिल को तोड़ना है और जब तक ये मंत्री हारेगा नहीं हमसे, तब तक ये ऐसे ही अत्याचार लोगों को डरवाता रहेगा और हारे हुए व्यक्ति का सर्टिफिकेट अपने पक्ष में दिलवा करके ले करके और अनियमितता करता रहेगा। मैं 2000 में ही अपना चुनाव अभियान विधानसभा का शुरू किया। मेरी शुरू से ही आदत रही है, जब से पिताजी थे तो उनके सेवा को मैं गरीबों के बर देखता था। कोई गरीब बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, कोई नंगा भूखा आ गया तो उसको भोजन कराना, वस्त्र दे देना। और एक और नियत उनकी थी, मेरी माँ की भी इसी प्रकार की नियत थी कि नंगे भंगे को रोटी दो और बेबस लाचार इंसानों को मदद करो, उस व्यक्ति की मदद करो, क्योंकि ऐसे बेबस लाचार लोगों के हाथ में थी रूह में आत्माएं बसती है, ईश्वर की आत्माएं बसती है। अगर इंसाफ आप दिलवाते हैं तो निश्चित आप जो है ईश्वर आपके प्रति मदद करेगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसी फार्मूले को लेकर के मैं भी शुरू किया जन सेवा की भावना, शुरू किया हॉस्पिटल पहुंचाना, दवा दिलवाना, जो कहीं गरीब है मर रहा है उसके पास क्रिया संस्कार के पैसे नहीं है तो चंदा लेकर के उसके क्रिया संस्कार को कराना, उनको घाट तक पहुंचाने का भी काम करना, ऐसे सेवा मैं प्रारंभ किया। और 2002 में विधानसभा में 2000 में चुनाव अभियान विधानसभा जब शुरू किया तो लोगों का अपार जन समर्थन मिला। गांव में मैं जाता था, एक गांव में वहां के 150 लोग दूसरे गांव में मुझे पहुंचा करके तब लौटने का काम करते थे। जगह जगह सिक्का से बेल्ट तौलाई होने लगी, नोट के मालाओं से मुझे लोग ला देने लगे। भाई साहब आप नहीं यकीन करेंगे कि चुनाव हुआ, उस समय दो मंत्री लड़ रहे थे, एक माननीय राम गोविंद चौधरी जी और माननीय बच्चा पाठक जी, उसके बीच में गरीब का बेटा लड़ रहा था जनता के पैसों से, उनके तौले हुए सिक्कों से, उनके नोट के मालाओं से, जो मुझे विधानसभा घूमने पर करीब करीब अंटी में रखता था, एक अंटी नोट लेकर के आता था। चुनाव सरगर्मी पर चढ़ा तो इन दोनों मंत्रियों ने आपस में राय किया कि अगर गरीब का बेटा जीत गया बिना पैसे का तो हम लोगों का बड़ी बेइज्जती होगी, क्यों ना उस समय होमगार्ड और सिपाही बूथ पर रहा करते थे, क्यों ना हम लोग अपने अपने बेल्ट के बूथों को कब्जा कर ले। तय हो गया, माननीय राम गोविंद चौधरी जी अपना दियारा एक बेल्ट पलता है, 30 बंधा उस बंधे की तरफ करीब 60-70 बूथों को इकट्ठा कब्जा कर लिए। और इधर माननीय बच्चा पाठक जी जो मिनिस्टर थे उनका अपना क्षेत्र ब्राह्मण बेल्ट पलता है, उधर उन्होंने अपना कब्जा 10-15 हजार कर लिया। इसके बावजूद हमारे उस समय इन लोगों के डर के मारे एजेंट नहीं थे, बिना एजेंट के भाई साहब मैं वहां लगभग 36,000 वोट पाया। माननीय बच्चा पाठक जी 37,000 वोट पाए हमसे एक पुतला लूटने के बाद, और माननीय राम गोविंद चौधरी जी 41,000 लगभग वोट पा करके चुनाव जीत गए। जब लगभग 36,000 वोट मैं पाया, हार गया तो मैं निराश नहीं बैठा, फिर उतने ही तेजी से क्षेत्रों में चलने लगा, लोगों की सेवा भावना से ग्रसित होकर के हॉस्पिटल थाना मुर्दा घाट तक जाना, कोई गरीब बेबस लाचार है उसकी मदद करना, नंगा भूखा है तो उसको रोटी देना, अपने पास न हो तो दूसरे से ही मांग करके दे देना, ये मैं काम किया करने लगा। इससे प्रभावित होकर के उस समय बहुजन समाज पार्टी के मेरे पास आए, वहां बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था,
इन लोगों ने कहा कि भाई साहब आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ जाओ और लड़ने के बाद तुमको हम टिकट दिलवा देंगे। तो मैंने कहा कि भाई बहन जी तो टिकट देने के लिए पैसा लेती है। उन लोगों ने कहा कि आप जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर मैं तैयारी बीएसपी से करने लगा और उसी तरह से सेवा भाव रखने लगा। स्थिति ये हुई कि जो आजमगढ़ मंडल में बलिया जो पड़ता है उसी में करीब 22 विधानसभाएं पड़ती है। हमारे कोटे का पैसा जो बहन जी को देना पड़ता है कोऑर्डिनेटरों ने अदर विधानसभाओं से मैनेज करके हमारे मेरे हिस्से का पैसा जमा कर दिया। भाई साहब चुनाव हुआ 2007 में, मैं बहुजन समाज पार्टी का घोषित उम्मीदवार हो गया। उस समय भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो निर्दल उम्मीदवार जैसी ही जनता की भावना थी, क्योंकि पैसा मेरे पास था नहीं, वही सिक्कों से तौला नोट के मालाओं से लगता, वही परंपरा चालू थी। चुनाव जीत गया, आकर के लखनऊ में शपथ लिया। शपथ लेने के बाद ये भी मैं शपथ लिया कि ऐसे सामंती विधानसभा में जो गरीब लोगों ने मुझे मदद करने का काम किया है तो मैं भी तन मन धन से इनकी मदद करने का काम करूंगा और उनको निराश नहीं होने दूंगा। फिर मैं अपना काम शुरू किया, दरवाजे पर 500 कुर्सी लगाया और जो गरीब वो भी सीएससी का किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ, विधायकों के यहाँ, मंत्री के यहाँ जो कुर्सी नहीं मिलती थी उस जमाने में, मैं कुर्सी पर बैठाने का काम किया, एक गिलास पानी देने का काम किया, चाय पिलवाने का काम किया, इस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। एसडीएम साहब भी आते थे, एसओ भी आते थे, उनके सामने भी वो खड़ा होते, लेकिन सामंती तत्व जो देखते थे कि ये तो गरीबों को, बेबस लाजार लोगों को कुर्सी पर दे करके इनके मनोबल को बढ़ा रहा है, तीन लोगों को खला और एक साजिश करके बांध के शिकायत फैक्स के द्वारा पहुंचाने का काम किया कि अगला ये जीत नहीं पाएगा। और उस समय 12 जब आया भाई साहब तो बांध जी के कोऑर्डिनेटरों ने हमसे 3 करोड़ रुपए की मांग की। मैंने कहा भाई साहब हम कहां से रुपया 3 करोड़ दें, हम तो 2 लाख लोगों को नौकरी बिना पैसे की सिफारिश करके दिलवा दिया, उसमें पैसा नहीं का पैसा मैं अपने करकर्ताओं को दे दिया जो साइकिल पर चलते थे, वो मोटरसाइकिल पर चलने लगे और छाश नाम की कोई चीज नहीं थी 2007। जब मैं आया तो देखा कि तहसील गिर रही है बांसडी की, कोतवाली बांसडी की गिर रही है, इसके बाद अंग्रेजों की बनाई हुई जमाने की बनाए थाने 7 बार भी गिर रहा है, उस थाने की भी दुर्दशा को मैंने देखा। अग्निकांड हुआ करते हैं, यहाँ कम से कम फायर स्टेशन नहीं है। मैंने तत्काल मेहनत करके संबंधित मंत्रियों से संपर्क करके फायर स्टेशन बनवाने का काम किया, बांसडी थाने का निर्माण कराया, आपके स्वीकृत करा करके मैं आपका 7वां थाना भी नया किया। इसके बाद एक और चीज मैंने देखा कि घाघरा नदी से बिहार को नाव से जाना पड़ता है, मैंने अपने समय में वहां हुआ करते थे उनसे अनुरोध करके और मैं वहां ओवर पुल का निर्माण पुर से चांदपुर से और दियारा बिहार के उस पार तक एक पुल, पक्के का पुल निर्माण के लिए सर्वे कराया, एस्टीमेट बनवाया, धन स्वीकृत हुआ। इसके बाद मेरे नसीब में उसका शिलान्यास नहीं था, 12 में टिकट कट गया। इसके बाद मैंने देखा कि दूर दराज के गांवों में पानी की बड़ी किल्लत है, बहुत दूर उसका बोरिंग करके दूर से पानी निकालना पड़ता है हैंडपंपों से, मैंने करीब करीब पानी टंकियों का निर्माण करवा दिया। इस तरह से उस समय जितनी सड़कें थी बांसडी विधानसभा में सब पर रुपये स्वीकृत करा के संबंधित मंत्री से और सभी सड़कों का
मैं अच्छी तरह से ऐसा निर्माण कराया कि अब मैं उसकी तारीफ अब क्षेत्र के लोग करते हैं भाई साहब आज तक, क्योंकि बिना कमीशन की सड़कें थी, न मैंने कमीशन लिया न पीडब्ल्यूडी विभाग को कमीशन लेने दिया, और तेवर के साथ सड़कें, मैं सड़कों पर जाता था और कहीं मिट्टी देखता था कि मिट्टी डाल के कुटाई होती है, अधिकारियों को दाबता था कि भाई जब मुझे मुझे कुछ नहीं खाना है तो तुमको भी नहीं खाना है, ईमानदारी से काम करो और भसी जान लगती है उसको लगाओ, उसका जो पीडब्ल्यूडी का जो नार्म है इस्टीमेट क्या जो प्रावधान है उसके हिसाब से काम करो। इस तरह से सड़कें पड़ी जो आज 10-12 साल तक भाई साहब उस सड़कें उखड़ी नहीं। इस तरह से 3 करोड़ के चक्कर में मैं चुनाव हार गया। हारने के बाद मैं निराश होकर के बैठ गया। बैठने के बाद मैं 2015-16 में एक जनता क्रांति पार्टी का निर्माण किया, उसमें चुनाव आयोग से पार्टी का अप्रूवल भी हो गया और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बन गया। किसी तरह से 2 साल पार्टी चली, विभिन्न स्रोतों से पैसा मांग करके, छोटा छोटा चंदा मिलता था और कार्यक्रम करा के हाईलाइट तो कर दिया था भाई साहब विभिन्न कार्यक्रमों को करके, अब प्रदेश में मेरा अच्छा नाम भी हो गया था, लेकिन पैसे के अभाव में पुनः मैं चुपचाप बैठ गया। कितना चंदा लोग देंगे, कई बार देंगे, इसको देख करके मैं चुपचाप शांति से कर बैठ गया। जिसका 16 में जब बैठ गया मैं चुपचाप, 17-18 तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। जब 19 का लोकसभा का चुनाव आया तो उस समय एक हमारे जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दयाशंकर सिंह हैं, उन्होंने मेरे घर जाकर के बुलाया कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति इतने दिन से बैठा है और तुम्हारे नाम से अभी 30-35 हजार उस विधानसभा में वोट है, जिधर चाहोगे उधर मिल जाएगा, स्वयं लड़ोगे तो भी वो मिल जाएगा, जिन्हें पंचायत का वोट है तुम क्यों निराश होकर के बैठे हो, तुम चलो इस लोकसभा के चुनाव में अमित शाह जी आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसी में मैं तुमको ये करा देता हूँ, ज्वाइन करा देता हूँ। उसी समय मैं फिर कुछ सोचा वोचा और सोचने के बाद जो साथी थे कमेटी के मेरे पार्टी के, उनसे भी कहा कि भाई साहब अब मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य खतरे में है, मैं पार्टी तो बनाया लेकिन पैसे के अभाव में मैं इसको चला नहीं सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैं ज्वाइन करने गया, वहां पार्टी पर पार्टी जहां मंच लगा हुआ था वहां पहुंचा तो वहां के जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी आपकी कुर्सी माननीय अमित शाह जी के पीछे, आप वहीं बैठिए। मैं इत्मीनान से वहां बैठा। इसके बाद माननीय अमित शाह जी आए, भाई दयाशंकर जी और वहां का प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा, उन दोनों लोगों ने कान में कुछ बात किया हमारे प्रति, और इसके बाद दयाशंकर जी अपना संचालन घोषणा करते समय उन्होंने ये कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कैसे व्यक्तित्व की मैं पार्टी में लाने की घोषणा कर रहा हूं, आपके आदेशानुसार जिसके आने से जो 2004 माननीय रविंद्र कुशवाहा इनकी जो 62 विधानसभा में जहां भाजपा का खाता नहीं है, अगर वहां से इनको करीब लोकसभा के चुनाव में पिछले बार जो प्रत्याशी करीब करीब 80,000 वोट पाया था अब की पारी से शंकर चौहान जी के आ जाने से करीब करीब 1.25 लाख वोट इनको मिलेगा, क्योंकि इनके व्यक्तिगत वोट एकदम डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे और इस प्रकार इनका ग्राफ बढ़ जाएगा। यही नहीं, विभिन्न विधानसभाओं में भी इसका असर पड़ेगा, पूर्वांचल में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि साफ सुथरा के व्यक्तित्व है इनका और कोई दाग इनके दामन पर नहीं है और गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। इस प्रकार मैं वहां घोषणा मेरी हुई। जब घोषणा हुई तो माननीय अमित शाह जी जब व्यक्तिगत वोट की बात हुई कि 35-35 हजार वोट इनके नाम के व्यक्तिगत वोट रहे तो पीछे उन लोगों ने घूम कर
प्रणाम करने के बाद की गणना भी 1,17,000 वोट हमारे विधानसभा से मिले, जबकि वही बगल की विधानसभाओं में जहां भाजपा के विधायक हैं वहां प्रत्याशी चुनाव हार गया। जहां स्वयं का जिस विधानसभा सलेमपुर का प्रत्याशी है वहां 9-10 हजार की लीडिंग में वोट पाया। बहरहाल प्रत्याशी जीत गया। जीतने के बाद मैं अपना पार्टी में करीब लगभग दो साल हो रहे हैं आया। यहां भी आने के बाद विभिन्न पदाधिकारियों से मिलता रहा, लेकिन 2 साल तक मुझे काम नहीं मिला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे जो राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई थी उसके वर्कर जो है मुंह खोज रहे हैं कि भाई चौहान जी कब इनका कोई जिम्मेदारी मिलेगी कि उस जिम्मेदारी के बहाने हमसे मिलने का काम करें। लखनऊ में आता था तो कभी कभार जब लोग जानते थे तो आज मिल लिया करते, लेकिन 2 साल तक मुझे यहाँ भी कोई काम नहीं मिला। इसके बावजूद भी मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ कि पार्टी मुझे कब हमको अपना ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित करती है कि मेरे जैसे कर्मठ व्यक्ति को भी कोई काम मिले, ताकि उस काम के बहाने अपने व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी में चमका सकूं। मैंने ये भाई साहब पीछे भी जा करके एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे ब्लड और खून का इतिहास रहा है कि हमारे ग्राम पंचायत 35 साल से माननीय सरजूगिरी जी प्रधान हुआ करते थे, चुनाव कभी नहीं हारते थे, लेकिन मेरे पिता लाल मोहर श्री लाल भर चौहान ने, स्वर्गीय लाल भर चौहान जी ने 35 साल की सत्ता को उखाड़ करके फेंका और उन्हीं का बेटा संकल्प लेकर के जो सामंती अपराधी प्रवृत्ति का मंत्री विधायक है उसके खिलाफ लड़ करके जिला पंचायत से शुरुआत करके बिना पैसे का विधायक बन के उनके वर्चस्व को समाप्त करने का काम किया। गांव के लोगों ने जबरदस्ती भाई साहब नहीं ये जानेंगे, गांव के लोगों ने बैलगाड़ी पर ले जाकर के बैठा करके रेवती ब्लॉक में फार्म अपने पैसे से भरवाया। उस समय में मेरे पिताजी एक पैसा नहीं लगा और रिकॉर्ड मतों से जीत गए सरजूगिरी जी की जमानत जब्त हो, और पुनः वही हाल उनके खिलाफ मैं पंचायत चुनाव लड़ करके उनको अपनी औकात बताया, जनता का अपार समर्थन बताया, और वही 2002 में बताया विधानसभा लड़ के 36,000 वोट लगभग पाया, और फिर 2007 में मैं विधायक बन के उस रिकॉर्ड को तोड़ा, 35 साल के माननीय मंत्री बच्चा पाठक जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर वह कभी जीत नहीं पाए, और अंत में माननीय बच्चा पाठक जी की 18 में मृत्यु हो गई। इस तरह से मैं भाई साहब बताऊं आपको, मैं बच्चा पाठक जी जहां मिलते थे उनको बड़ा सम्मान से बोलता था, इसलिए बोलता था कि माननीय मंत्री जी आपको लाख बार काम किया, मेरी उम्र भी आपको लगता है, तो हंस करके टाल करके चल जाया करते थे, आगे बढ़ जाते थे। मुझे उनको बराबर मैं ध्यान धन्यवाद देता था, क्योंकि जिला पंचायत में टकराहट नहीं होती। तो मैं फिर 2007 में कोई पार्टी टिकट नहीं देती और मैं विधायक नहीं बनता। अब विधायक बनने के बाद पुनः वो कभी जीत नहीं पाए। वहां राम गोविंद चौधरी जीते और आज भी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं, और आपको बता ही दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का नेतृत्व मुझे इस लायक समझा, मुझे टिकट दिया, तो फिर पुनः रिकॉर्ड वहां टूटने जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी करीब 40-50 साल पार्टी हुए भी हुआ पार्टी विधानसभा को नहीं जीत पाई, और मैं 2022 में उस सीट को जीत करके दिखा दूंगा कि ये व्यक्तिगत हमारे व्यक्तित्व का वोट है, मेरी कर्मठता का वोट है, मेरी सेवा भावना और समर्पण का वोट। तो आज तक वही इंतजार कर रहा हूं कि पार्टी मुझे कोई वर्क दे, ताकि उस वर्क को ईमानदारी और कर्मठता से कर करके अपने नाम को ऊंचा करूं, और मुझे विश्वास है कि सूर्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता, एक दिन जरूर चमकेगा, यही मुझे आपसे कहना है। जी, पूरी डिटेल में आपने अपने बारे में बताया हमें, और जिस तेज के साथ, जिस प्रयास के साथ आप लगे हुए हैं राजनीति में और सामाजिक कार्यों में, वो वाकई सराहनीय है। मैं आगे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने विजन के बारे में थोड़ा बताएं, और आगे के मुद्दे क्या है आपके, उसके बारे में थोड़ा विस्तार।
मेरा भाई साहब विजन यही है कि अब तो क्षेत्र का नहीं रह गया हूँ, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो पूरे प्रदेश का हूँ। मेरे विजन यही है कि बेबस लाचार की मदद करो, नंगे भूखे को रोटी दो, उनको विकास की तरफ ले जाओ, शिक्षा की तरफ। उनसे बार बार कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है। ये सब सारी चीजें मेरा विजन है, गरीबों की मदद करना, किसी जाति धर्म का हो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना, और बेबस लाचार है तो न्याय दिलाना, और नंगा भूखा है तो उसके रोटी का प्रबंध करना, यही मेरा जीवन में है। विकास तो मास्टर का जितना है कर दिया हूँ, अब समय मिलेगा तो प्रदेश के विकास की भी बात सोचूंगा अपने दायरे में जो हो सकेगा। जी, आप प्रदेश के विकास की भी बात कर रहे हैं, बास्टी के विकास की भी बात कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र के लिए आपने अपना सब कुछ दिया है, जिस क्षेत्र में रहकर आपने इतना काम किया है, उसके बारे में भी लोगों को लोग जानना चाहेंगे, लोगों की जिज्ञासा होगी। तो आप अपने बास्टी यानी अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं कि यहाँ की समस्याएं क्या रही थी या क्या है, और यहाँ की विशेषताएं क्या। वहाँ की मूल समस्या थी सामंतवाद का सफाया, उसको मैं समाप्त कर दिया। अब कोई जुल्म नहीं कर सकता जब तक ये व्यवस्था है, लोगों को जागरूक भी कर दिया हूं, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं। विकास की जहां तक बात है तो विकास सारे हो चुके हैं, शिक्षा के प्रति सबको जागरूक कर चुका हूं, मीटिंग भाषणों में माता पिता के प्रति समर्पण की भावना रखने के लिए भी मैं कहता हूं, जो इस समय लोगों के बीच में नहीं है। ये सारी चीजों को मैं कहता हूं। एक जो पुल बड़ा वाला बन रहा है, आपका स्नेह आशीर्वाद मिला तो शिलान्यास मैं ही किया था, और उसका करीब एक साल बाद जो है काम खत्म हो जाएगा। हो सकता है आशीर्वाद आपका मिला तो उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। उसमें ऐसी कोई बाकी चीज नहीं है, कोई समस्या रह गई हो, समस्या भी मैंने बना दिया है। अब ये है कि मैं रहते रहते जो समस्याएं आती है तुरंत तत्काल हॉस्पिटल थाने जाकर के उसका समाधान करना यही है। शिक्षा के प्रति लोगों को ज्यादा जागरूक भी कर चुका हूं, सेवा भाव से सारी चीजें मैं करता हूं। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं सत्ता में रहा या नहीं रहा, कोई भी गरीब जिसका लीवर फेल हो गया हो, दवाई इलाज चलता हो, किडनी गड़बड़ हो गई हो, कैंसर हो गया है, ऐसे रोगियों का इस्टीमेट मैं कहता हूं बना के लाओ। और मुख्यमंत्री विवेका भीन से आज भी करीब 5-7 लाख जो भी जिसका इस्टीमेट आता है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री कार्यालय से मेहनत करके उनके संबंधित हॉस्पिटल जहां उनका इलाज रहा है उनके खाते में जो भी इस्टीमेट है उसके अनुसार रुपया ट्रांसफर करा देता हूँ। ये भी मेरी भावना, मैं लग रहा हूँ इसी काम से आता हूँ ज्यादातर जब ऐसे मामले मिलते हैं, न तो क्षेत्र में रहता हूँ घूमता हूँ। अब तो मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं हूँ, प्रदेश में जा नहीं सकता, इसलिए अपने क्षेत्र में रह करके लोगों के प्रति सेवा भावना समर्पण की भावना रख करके काम करता हूँ। और क्षेत्र में अब दूसरा मुझे क्या कहना है, एक चाहता हूँ विश्वविद्यालय हमारे बगल में बन चुका है और पानी टंकियां हो ही गई है, फायर स्टेशन हो ही गए हैं, थाना हॉस्पिटल नए हो ही चुके हैं, पुल आवागमन के लिए बनी चुका है बड़ा पुल। तो ऐसी कोई अब मेरे सामने इस तरह की कोई जनहित की समस्याएं दिखाई नहीं देती मेरे अपने समझ से। अब उसमें न्याय प्रणाली मेरे अंदर विकसित है कि उसका विकास किया जाए, लोग न्याय लेने के लिए अब खड़े भी हो जाते हैं, पहले तो कोई खड़ा भी नहीं होता था, घुटघुट के दम मर जाता था, लेकिन अब तो लोग बोलने लगे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, अपने वोट के प्रति जागरूक हो गए हैं कि जो वोट पैसे पर उस पर दिया जाता है कितना कीमती वोट है, वोट कितना कीमती है इसके लिए मैं जागरूक लोगों को कर दिया। इसलिए बिना पैसे के, बिना खर्चा के, बिना बूथ के पैसा के मुझे 30-35 हजार वोट मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जिक्र हुआ, आपने जो काम किए उसके बारे में जिक्र हुआ, यहाँ आपके क्षेत्र की विशेषताएं क्या रही है, क्या है विशेषताएं? हमारे क्षेत्र की विशेषता है कि बिहार से सीमा से सटा हुआ है, टीएस बंधा है, प्रतिसल बाढ़ आती है, और एक टीएस बंधा है उसके जिधर नदी है उस तरफ कुछ गांव है जो बाढ़ आते हैं तो प्रभावित रहते हैं। कटान भी हमारे क्षेत्र में इस समय नहीं हो रही, कम हो रही है एक जगह,
मंदिर के पास हो रहा है तो वो अभी टीएस बंदे से बहुत दूर है, इसलिए बाढ़ विभाग के लोग उस पर ज्यादा ये नहीं करते। और बाढ़ वाला प्रभावित वाला ये मामला है, वहां दबाव की राजनीति तो थी, वो मामला तो खत्म हो गया। शुद्ध पानी की व्यवस्था मैं कर दिया और सारी विकास कर दिए, हॉस्पिटलों का निर्माण मैंने कराया भाई साहब, उसको मैंने नहीं कहा, सीएससी का निर्माण कराया 35 पीढ़ों का, दियारांचल के लिए भी और पश्चिमांचल के लिए भी और मध्य में भी किया, और महिला हॉस्पिटल भी मैंने दिया, सारी चीजें मैंने दिया है, कुछ सब परिपक्व है। अब लोग भाईचारा बना के रहे और भाईचारा से ही सारी चीजें पैदा होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे अगर कोई आश्चर्यजनक चीज है तो ये है कि इंसान को भाईचारा बना करके और जिस मंजिल पर जाना हो वो जा सकता है। ये जात पात की राजनीति करने से विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि भाईचारा एक तरह से मैंने स्कूलों में देखा है, चाहे कोई भी विद्यालय हो, वहां कोई नफरत नहीं है एक दूसरे बच्चे बच्चियों में, आपस में भाईचारा है। आज जब भाईचारा है तो वहां सबसे अच्छी चीजें पैदा होती हैं। क्या होता है, उस भाईचारे से बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं उसी विद्यालय से, उसी विद्यालय से इंजीनियर बनते हैं, सांस्कृतिक बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तमाम नेता बनते हैं, सारे चीजें अच्छी चीजें विद्यालय से प्राप्त होती है, कहीं मंदिर मस्जिद से प्राप्त नहीं होती। इसलिए भाईचारा बना करके लोगों को रहना चाहिए, और इस भाईचारा से अन्य लाभ है तमाम तरह के। जी जी शिवशंकर जी, आपने जिस तरह से हमसे बातें की, अपने बारे में बताया, अपने विचार रखे, वो वाकई उसको जान करके किसी के लिए भी वो प्रेरणा का वो प्रेरणा ही देगा। और जिस समाज सेवा की भावना से आपने काम किया, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं, और जो उम्मीद आप रखते हैं वो आपकी पूरी तरह से पूर्ण हो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व।